साथ तीन कुख्यात आरोपी भारी मात्रा में कारतूस चले खोके रीवा पुलिस ने पकड़े। पुलिस कंट्रोल रूम में रीवा के अतिरिक्त अधीक्षक अनिल सोनकर ने पत्रकार वार्ता करके किया खुलासा। जल्द ही और कई गैंग पकड़े जाएंगे, टीम रवाना है, सब पर हमारी नजर है। तीन पिस्टल के साथ तीन कुख्यात आरोपी बाइकर्स गैंग के ऑपरेशन क्लीन के तहत रीवा पुलिस ने पकड़े, जिसमें एक माउजर है। कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने किया खुलासा। हम आपको बता दें, पिछले दिनों रीवा में बाइकर्स गैंग का काफी आतंक था। पुलिस ने इसे चैलेंज के रूप में लिया और बाइकर्स गैंग को खत्म करने के लिए एक टीम का गठन किया। इस टीम ने अभी कुछ दिन पहले ही एक गिरोह के 6 लोगों को पकड़ा था। आज एक बार फिर से एक गिरोह पकड़ा गया, जिसके पास से तीन पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस, चले हुए खोखे भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। माना जा सकता है एक और बाइकर्स गैंग गिरफ्तार। कंट्रोल रूम में पुलिस ने किया खुलासा। रीवा जिले में इन दिनों बाइकर्स गैंग का आतंक, जिसे खत्म करने के लिए पुलिस जोरदार तरीके से एक्शन में है। वह इस समय ऑपरेशन क्लीन चला रही है। ऑपरेशन क्लीन के तहत बाइकर्स गैंग को खत्म करना पुलिस की पहली प्राथमिकता। इसी सितंबर में एक बाइकर गैंग है जो करैया में जाकर के अपने साथी जो जेल में था उसके साथ पैसे के हिसाब किताब को लेकर उसके साथ जान से मारने की नीयत से अपने साथियों के साथ फायर किया, वहाँ मारपीट की और वहाँ से फरार हो गए। जाते समय उसने उसके चाचा को भी निहाल सिंह उसके चाचा को भी, जो ज्ञानी सिंह थे, उनको भी मारपीट किया, उनको भी चोट लगी। दोनों की तरफ से इनके खिलाफ जो है 147, 148, 149, 307, 294, 323, 506 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और लगातार पुलिस उनकी तलाश करती रही। ये अपने साथ जो है माउजर लिए हुए थे और माउजर से फायर किया था। पुलिस ने इनको जो है गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इनसे जो है तीन अलग अलग लोगों से माउजर और उनके साथ बड़ी संख्या में जो है कारतूस बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ की गई है। अन्य जो इनके साथी हैं उनको तलाशने के लिए अलग से टीम रवाना है, जो जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में रहेंगे और उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जा करके न्यायालय पेश किया जाएगा। अभी एक माउजर जो है, जो गैंग लीडर लकी सिंह उर्फ मेंटल, ये अपने साथियों के साथ जो हमला करने गया था और उनके साथ गए हर्षित सिंह, निहाल दुबे, इनको गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से एक एक पिस्टल और जिंदा और यूज किए हुए कारतूस के खोखे बरामद किए गए हैं।